ये आप सुपर सीडर से बुआई कर रहे हैं धान की, तो जरा आप जरा बताइए कि किस तरीके से कितना किलो और कितना औसत में धान जा रहा है। इसमें जो है कलोला की 5 किलो धान और कलोला 10 किलो डाई जी, इसके साथ 1 बीघा हो जाएगा, 4 किलो भी बुआ जाला, 4 किलो भी बो सकते हैं। हाँ, प्रति बीघा, हाँ, एक बीघा, क्योंकि ये सुपर सीडर है, ये गेहूं बोता है तो गेहूं में 25 किलो और 20 किलो का अनाज आता है। हाँ, नहीं नहीं, तो 10 किलो हम बोए हैं गेहूं, 10 किलो बीघा, सबसे ज्यादा पैदा हुआ है 10 किलो पे। आप गेहूं, गेहूं 15 किलो डाई। अच्छा, धान में क्या औसत रहते हैं आप? धान में 10 किलो डाई, 5 किलो धान, ये सब एक साथ मिक्स कर दिए। हाँ, एक साथ धान में गेहूं, एक धान और खाद एक ही में मिक्स है। अच्छा, हाँ। 380 बीघा गेहूं बोए थे पिछले सीजन। कितना बीघा आपने गेहूं बोया था? 380 बीघा। इस समय 100 बीघा धान बो दिए, 110 बीघा। आप अपना शुभ नाम बताइए और अपना गांव का नाम बताइए। रामनंद यादव, ग्राम बेलाडी, ओस्तामा खास, संत कबीर नगर, जिला संत कबीर नगर और उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो ये तो आपने कर दिया, फिर सेटिंग क्या करते हैं सुपर सीडर की आप अपने? सेटिंग यही चलता हमारा, धान के गेहूं की बुआई धान में बोते हैं कलोला की 6% 6 पॉइंट पे, और गेहूं में धान में 6 और गेहूं में भी 6। अच्छा, धान में 6 गेहूं में 6, जैसन जेके मांगा ला, 10 किलो बोएंगे 15 की, अगर 10 किलो 12 किलो बोएंगे तो 4 पो बोना पड़ेगा। और उसे आप जितना बोलेंगे 16 17 18 मतलब किलो बीघा बोएंगे, उसको हमको साथ पे ले जाना पड़ेगा। तो मतलब आपके हिसाब से 5 किलो का बढ़िया औसत पड़ता है प्रति बीघा? ज्यादा हो जाता है 1 किलो, बाकी तो आदमी किसान रिसियान है कि हमारा कलोला की बुआई कम, किसान बोलते हैं कि बुआई कम हो सकता है, डरते हैं, इसलिए आप 4 की जगह 5 बुआई कर देते हैं, 1 किलो एडवांस बोते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपने यहाँ पर खेत पे बुआई किया है, इसमें नमी का क्या होना चाहिए भैया? नमी नहीं, पर आप पानी चला देंगे सब जम जाएगा, मतलब जब बारिश होगा ही जाम जाएगा। आज नहीं, आप पानी भी चला सकते हैं इसमें। अच्छा, तो क्या करना चाहिए, पानी पहले चलाना चाहिए कि बारिश का इंतजार करना चाहिए? आदमी का बोरिंग का व्यवस्था है, पानी चला देता है, मोटर लगा देता है, भर जाए तो जाम जाए एक हफ्ता में। आज आपने कितना बुआई किया है? अब आज हमने इस समय तक 16 बीघा बो दिए। 16 बीघा इसी मशीन से आपने बोया है? ये पिछले साल आपने मशीन लिया था, अभी तक आप इससे बो रहे हैं, और ये आपका यहाँ भी चला रहे थे आप? हाँ, एक बार जोता नहीं। अच्छा, बस कंबाइन काट के गई थी, आपने डायरेक्टली बुआई कर दिया इसमें? मतलब जोता हुआ खेत नहीं था, आपने इसको तुरंत जोत रहे, तुरंत बो रहे, सरप्राइज हो गया। तो मतलब आपके हिसाब से सब ये करना मतलब सही है, इस तरीके से बुआई अच्छा है? एक नंबर, एक। कितना रुपया बीघा बुआई लेते हैं आप? लेते हैं 1200 रुपया। 1200 रुपये बीघा बुआई लेते हैं, उसमें आप जोत देते हैं, बो भी देते हैं, सारा काम है। तो बहुत सस्ता हो गया, 1200 रुपये तो बैठाई ले लेते हैं, उसका आदमी लेवा मराता है 600-700 रुपये में। चलाइए, करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया हम लोग को इसके बारे में। और ये आप तावा कुछ बता रहे थे, तावा इसी लाइन से तावा बनाते हैं उस? हाँ, और दूसरा अपने हाथ से सेट करना पड़ता है किस जगह कितना पे मांगे, तो आप तावा लाइन बना देते हैं, फिर उसी तावा पे दोबारा जब फेरा आते हैं तो इसमें सट के वही पलटा पे फिर चलता है, और बाद में से आप गेहूं भी बुआई करेंगे? गेहूं भी बोता है।